हेलो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आज हम ये जो पाइप देख रहे हैं दोस्तों, इस पाइप का नाम है वेंट लाइन हाउस पाइप लीकेज। क्या नाम है इसका? वेंट लाइन हाउस पाइप लीकेज इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा इसमें कूलेंट वाटर जो है ना, हमारा लीकेज हो गया दोस्तों। इसमें इस पाइप में कूलेंट वाटर आता है दोस्तों, जो कि हमारा टर्बो चार्जर के जस्ट बगल में से ये गुजरा हुआ है पाइप। और यह जो दोस्तों, कैसे ये हुआ? किसी कारणवश इस पाइप में टच हो गया जो कि हमारा टर्बो चार्जर में, तो वो टर्बो चार्जर दोस्तों मेरा हीट रहता है, तो उसके कारण बस ये पाइप जो है ना, उसमें सटने कारण यह जल गया है। तो वहाँ से दोस्तों छिद्र होकर के लीकेज होना स्टार्ट हो गया, और यह जो लीकेज है काफ़ी तेज में दोस्त लीकेज हो रहा है, और इतना तेज में लीकेज हो रहा है कि जो हमारा कूलेंट वाटर है वो तुरंत ड्रेन हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आपको ज़रूर देखना, जब भी गाड़ी आपका रुके कहीं भी, ब्लॉक सेक्शन हो या स्टेशन में कहीं भी हो, एक बार ज़रूर गाड़ी को आवश्यक चेक करें कि कहीं से मेरा कोई चीज़ लीकेज तो नहीं है। अगर आप नहीं देखते हैं दोस्तों, तो अगर आपका ड्रेन हो जाएगा यानी कि पानी कम जाएगा कूलेंट वाटर, तो आपका कोई इंजन स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ पर रहेगा वहीं पर आपका गाड़ी शट डाउन ले लेगा, यानी कि इंजन ट्रिप हो जाएगा। यह जो है दोस्तों देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस पाइप का नाम है दोस्तों वेंट लाइन हाउस पाइप लीकेज, और यह जो है तत्काल बांधने के लिए आपके गाड़ी में हमेशा एक ट्यूब रहना जरूरी है। जो साइकिल जो हमारा है उसमें ट्यूब लगता है दोस्तों, वो वाला ट्यूब रहना जरूरी है, और उसको आप फाड़ के इसको अच्छा से बांध सकते हैं। तो यही है, दिखा रहे हैं आपको ये पाइप, जो वेंट लाइन हाउस पाइप जो है, ये यही पाइप है। देखिए पूरा पाइप को दिखा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब देखिए कहाँ तक जा रहा है, इधर लास्ट में देखिए ये यहाँ तक आपका चला गया, ये लास्ट देखिए, लास्ट हाँ देखिए लास्ट यहाँ पे यहाँ पर टच हो गया है, ठीक है। तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज करके इसको लगा दीजिए, कमिंस वाले मिस्त्री को बोलिए, आप यहाँ अपना आके इसको चेंज कर देंगे। और यह पाइप को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपका कभी भी गाड़ी शट डाउन ले सकता है। अगर आपका कूलेंट सब गिर जाएगा तो आपका एयर कूलेंट ख़त्म होने के बाद आपका इंजन ट्रिप करेगा, इंजन ट्रिप करने के बाद आपका गाड़ी जहाँ रहेगा वहीं पे शट डाउन हो जाएगा, फिर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसका पाइप को चेंज करना ही जरूरी है, नज़रअंदाज ना करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए इतना ही, बाय।